सन 1398, विक्रमी संवत 1455, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का ब्रह्म मुहूर्त, काशी नगर का वो लहर तारा तालाब जहां सर्व सृष्टि रचनाहार कबीर परमात्मा पृथ्वी से 16 शंख कोस दूरी पर स्थित अपने निज धाम से शिशु रूप धारण कर अपने तेजोमय शरीर को हल्का करते हुए कमल के फूल पर प्रकट हुए, जिसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानन। इस पूरे घटनाक्रम को देख ऋषि जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचते हैं, आज यह मैंने कैसा दृश्य देखा? यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई भ्रम? गुरुदेव से पूछता हूं। ऋषि अष्टानंद जी के गुरुदेव थे स्वामी रामानंद जी, जो कि विष्णु जी के उपासक थे और वैष्णव धर्म का प्रचार किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य प्रचारक रूप में भी बना रखे थे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। क्या बात है अष्टानंद, कुछ दुविधा में लग रहे हो? हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी एक शंका का समाधान चाहता हूं। कहो, क्या बात है? हे गुरुदेव, आज साधना करते समय मुझे आकाश से एक प्रकाश नीचे की ओर आते दिखा, जिसे मेरी आंखें सहन न कर सकी और आंखें बंद हो गई, जिसके बाद मेरी आंखों के सामने एक नवजात शिशु का प्रतिबिंब बन गया। पुनः आंखें खोली तो वह प्रकाश तालाब के एक कोने में सिमटता हुआ दिखाई दिया। हे गुरुदेव, कृपया मेरी शंका का निवारण कीजिए। यह मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या कोई दृष्टि दोष? हे ऋषि जी, यह न तो भक्ति की उपलब्धि है और न आपका दृष्टि दोष। इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती है जब ऊपर के लोकों से कोई देव पुरुष पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए आते हैं और किसी स्त्री के गर्भ में निवास कर फिर बालक रूप धारण करके लीला करते हुए अपना अपेक्षित कार्य पूरा कर जाते हैं। अष्टानंद, कोई देव पुरुष ऊपर के लोकों से आया है, अब वह काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना प्रारब्ध पूरा करेगा। स्वामी रामानंद जी ने अपने ज्ञान आधार से शिष्य अष्टानंद जी की शंका का समाधान किया। स्वामी जी का मानना था कि अवतार मां के गर्भ से ही जन्म लेते हैं, लेकिन स्वामी जी को यह ज्ञान नहीं था कि यहां कोई अवतार गण नहीं बल्कि स्वयं पूर्ण परमात्मा अवतरित हुए हैं, जो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। वहीं दूसरी ओर काशी में ही नीरु नीमा नाम के एक मुसलमान जुलाहा दंपति भी रहा करते थे। वैसे तो इसी जन्म में वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। नीरु का नाम गौरी शंकर और नीमा का नाम सरस्वती था। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। वह भगवान शिव की भक्ति करते थे और शिव पुराण की निस्वार्थ कथा किया करते थे। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा और हिंदू धर्म के बढ़ते प्रचार को देख मुस्लिम लोगों द्वारा जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया गया, जिसके बाद हिंदू धर्म के ही अन्य पंडित ब्राह्मणों ने उनको मुसलमान घोषित कर उनका कथा करना और गंगा दरिया में स्नान आदि करना बंद कर दिया, जिसके बाद नीरू और नीमा रोजाना लहर तारा तालाब पर स्नान करने जाने लगे। भले ही उनको मुसलमान बना दिया गया था, परंतु अब भी भगवान शंकर के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। प्रतिदिन की तरह ब्रह्म मुहूर्त में आज भी नीरू और नीमा लहर तारा तालाब पर स्नान करने जा रहे थे।
संतान ना होने के कारण नीमा अपने भगवान शिव शंकर जी से रोते रोते हृदय से प्रार्थना करते हुए जा रही थी। हे भगवान शंकर, आपके दरबार में लालों की कमी है, एक लाल मुझे भी देते तो मेरा इस संसार में हिस्सा हो जाता। नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है, अगर होती तो भगवान पहले ही दे देते। आप रो मत, ऐसे रो रो कर अपनी आंखें खराब और कर लोगी। हमारा कोई उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है इस दुनिया में। इसी प्रकार आपस में चर्चा करते करते नीरू और नीमा लहर तारा तालाब पर पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही कमल के फूल पर परमात्मा प्रकट हो चुके होते हैं। प्रथम नीमा स्नान करके तालाब से बाहर आती है, फिर बाद में नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश करता है। जब नीरू स्नान कर रहा होता है, तब नीमा पहले वाले वस्त्र धोने के लिए पुनः किनारे पर आती है और उसे सामने कमल के फूल पर कुछ हिलता नजर आता है। इसे देख नीमा सोचती है कि कोई सर्प फन हिला रहा है। देखना जी, कमल के फूल पर बालक है, कमल के फूल पर बालक है। ये तो बच्चे की चाह में बिल्कुल पागल हो गई है, अब तो इसको जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लग गए हैं। ये शंकर भगवान इसको सद्बुद्धि दो दाता। देखना जी, देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। बस करनी माँ, अब तुझे यहाँ जल में भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जल में कहाँ से बालक आएगा। हे भगवान, देखना जी देखना, वो बच्चा डूबेगा जल में। यह बालक पता नहीं किसका है, अब इसको हम घर लेकर जाएंगे तो नगर के लोग पूछेंगे कि किसका बालक चुरा कर लाए हो। हम बताएंगे कि कमल के फूल पर मिला तो कोई यकीन नहीं करेगा, इस बालक को भी छीन लेंगे और पिटाई करके नगर से भी निकाल देंगे। अब हिंदुओं से हमारा संपर्क रहा नहीं और मुसलमानों से भी अभी हमारी इतनी जानकारी है नहीं। नीमा, इस बालक को यही छोड़ दे, इसी में हमारी भलाई है। अगर इसे लेकर हम नगर में गए तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा, कोई विश्वास भी नहीं करेगा हम पर। नीरू नीमा को सारी स्थिति से परिचित करवाता है, जिसके बाद नीमा बोलती है, पता नहीं इस बालक ने मुझ पर क्या जादू कर दिया, इसे त्यागना अब मेरे वश में नहीं है, क्योंकि इस बालक ने जो मेरे अंदर आकर्षण पैदा किया है, उसी की वजह से अब मैं इससे दूर नहीं हो सकती। मैं मर सकती हूँ लेकिन इसे नहीं छोड़ सकती। नीमा, तू बहुत सिद्धि हो गई है, मैंने तुझसे आज तक गुस्से से भी नहीं बोला, यह सोचकर कि तू पहले ही संतान के वियोग में दुखी रहती है, परंतु अब मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है। देखो जी, आप कुछ भी कहो लेकिन मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकती। नीरू के काफी समझाने के बावजूद भी नीमा नहीं मानती। तब नीरू ने रोते हुए आंखों में आंसू लिए पहली बार नीमा के ऊपर हाथ उठाया और बोला, रख दे इस बालक को यही, नहीं तो तुझे थप्पड़ मारूंगा। नीरू, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये क्या बालक बोल रहा है, जरूर यह भूत प्रेत या कोई सिद्ध पुरुष है। हे शंकर भगवान, लाज रखना। यह विचार कर नीरू चुपचाप बच्चे को घर ले जाता है। परमेश्वर का शरीर बहुत सुंदर था, आंखें जैसे कमल के फूल हो, उमराले बाल, लंबे हाथ और उनकी लंबी लंबी अंगुलियां, शरीर से मानो नूर झलक रहा हो।
पूरी काशी में ऐसा अद्भुत बालक नहीं था। नवजात शिशु रूप परमेश्वर कबीर जी को देखने के लिए पूरा काशी नगर उमड़ पड़ा। जो भी बालक को देखता तो उसके चेहरे से दृष्टि हटाने को दिल नहीं करता। शिशु रूप परमेश्वर को देख आत्मा अपने आप खींची चली जाती। देखते ही देखते स्त्री पुरुष झुंड के झुंड बनाकर मंगल गीत गाते हुए नीरू के घर बच्चा देखने को आने लगते। परमेश्वर कबीर जी को देखकर कोई कहता यह बालक तो देव अवतार है, कोई कहता कि यह तो साक्षात विष्णु जी आए हैं, कोई कह रहा था यह भगवान शिव ही अपनी काशी नगरी को कृतार्थ करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। अपनी अपनी समझ के अनुसार कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ। यह सब सुनकर नीमा अप्रसन्न हो जाती है। मेरे बच्चे के विषय में कोई कुछ मत कहो। तुमने कभी बच्चा देखा भी है कि नहीं? ऐसे समूह के समूह मेरे बालक को देखने आ रहे हो? नीमा, हमने बालक तो बहुत देखे हैं, परंतु आपके बालक जैसा कभी नहीं देखा, इसीलिए हम इसे देखने आए हैं। हे भगवान शंकर, इनकी नजर से मेरे बच्चे की रक्षा करना। नीमा ने बालक रूप में परमेश्वर कबीर जी को ज्यों है दूध पिलाने की कोशिश की तो परमेश्वर ने मुंह बंद कर लिया। सर्व प्रयत्न करने पर भी नीरू नीमा बालक को दूध पिलाने में असफल रहे। 25 दिन बीत गए परंतु बालक ने कुछ नहीं खाया पिया। माता पिता चिंतित हो गए कि बच्चे को किसी की नजर लग गई है। लेकिन भले ही 25 दिन हो गए फिर भी बालक रूप में परमेश्वर का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ था। परंतु नीमा को डर था कि बिना कुछ खाए पिए यह बालक जीवित कैसे रहेगा, इसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। यह सोचकर एक दिन नीमा फूट फूट कर रो रही थी और व्याकुल होकर भगवान शंकर से रह रह कर प्रार्थना कर रही थी कि हे शंकर भगवान, या तो ये बालक देना ही नहीं था, जैसे तैसे रो धोकर मैं अपना जीवन व्यतीत कर लेती, और अब दिया है तो ये मुझसे छीनो मत, इसके बिना मैं नहीं रह सकती। ये बालक मरेगा तो इसके साथ मैं भी मरूंगी। तब परमात्मा जो अजर अमर अविनाशी हैं, भगवान शिव को प्रेरणा करके बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं तो मारूंगा नहीं पर मेरी चिंता में जरूर मर जाएगी। क्यों रो रही हो बेटी, क्या परेशानी है आपकी? हे महात्मा जी, हम निसंतान थे। 25 दिन पूर्व भगवान शंकर जी ने यह बालक हमें दिया, लेकिन अभी तक इस बच्चे ने दूध नहीं पिया। सभी कोशिशें करके हम थक चुके हैं, आज भी इसने कुछ भी आहार नहीं किया। मैं इसलिए रो रही हूँ कि अब यह बालक मरेगा और इसके साथ मैं भी आत्महत्या करूँगी। आपका बालक मुझे दिखाइए। इस बालक की लंबी आयु है, यह मरने वाला नहीं है। देख नीमा कितना स्वस्थ है, कमल जैसा चेहरा खिला है। हे विप्रवर, बनावटी सांत्वना से मुझे संतोष होने वाला नहीं है। बच्चा दूध पिएगा तो मुझे सुख की सांस आएगी। हे शंकर जी, आप इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाए, जिस पर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखना, फिर वह दूध देगी। मैं उस कुंवारी गाय का ही दूध पीऊंगा। बेटी, अपने पति को बुलाओ। नीरू, एक कुंवारी गाय ले आओ और साथ में कुम्हार के घर से एक घड़ा भी लेकर आना। वह बच्चिया दूध देगी, उस दूध को यह बालक पिएगा। नीरू कुछ देर बाद ही एक बच्चिया और मटका लेकर आ जाता है, जिसके बाद परमेश्वर कबीर जी के आदेशानुसार विप्ररूपधारी शिव जी ने उस कुमारी गाय की पीठ पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। उसी समय उस कुमारी गाय के थन लंबे लंबे हो गए और थनों से दूध की धार बह चली। नीरू ने पहले ही वह पात्र गाय के थनों के नीचे रख दिया था।
दूध का पात्र भरते ही थनों से दूध निकलना बंद हो जाता है। फिर उस दूध को शिशु रूपधारी परमेश्वर कबीर जी ने पिया। नीरू नीमा ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव के चरण लिए। तत्पश्चात विप्ररूपधारी शिव जी वहां से चले जाते हैं। नीरू नीमा पहले हिंदू ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, तो लालचवश ब्राह्मण लोग बालक रूप परमेश्वर का नाम रखने नीरू के घर आते हैं, लेकिन मुसलमानों का दबदबा होने के कारण उनसे हिंदू समाज दबता था। काजियों ने कहा कि अब यह मुसलमान हो चुके हैं, लड़के का नामकरण हम मुसलमान विधि से ही करेंगे। इतना कहकर नामकरण के उद्देश्य से काजी कुरान शरीफ को खोलता है, जिसमें प्रथम पृष्ठ की प्रथम पंक्ति का प्रथम अक्षर कबीर लिखा मिलता है। काजियों ने सोचा कि कबीर नाम का अर्थ बड़ा होता है, तो एक छोटी जाति के बालक का नाम कबीर रखना उचित नहीं रहेगा। यह सोचकर काजी द्वारा पुनः पवित्र कुरान शरीफ को खोला गया, तो दोनों पृष्ठ पर कबीर कबीर अक्षर लिखे मिले। इसके बाद काजी ने पूरी कुरान शरीफ का निरीक्षण किया, तो पूरी कुरान शरीफ में कबीर 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 अक्षर लिखा था, अन्य लेख नहीं रहा। यह कोई साधारण बालक नहीं है, इस बालक ने कोई जादू जंतर करके हमारी कुरान शरीफ को ही बदल डाला। हे काशी के काजियों, मैं कबीर अल्लाह अल्लाहु अकबर हूँ, कल युग में मेरा नाम कबीर ही रहेगा। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं, तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।